अयोध्या में बनने जा रहे श्री राम मंदिर निर्माण के लिए अब तक 2100 करोड़ से ज्यादा का चंदा इकट्ठा हो चुका है और ये सिलसिला अभी भी जारी है। सिद्धार्थनगर जिला मुख्यालय पर बीजेपी के सांसद जगदम्बिका पाल के आवास पर तीर्थ क्षेत्र समर्पण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सांसद व उनकी पत्नी ने 25 लाख रुपयों का चेक देकर अपना अनुदान दिया। ये अभियान जिस तरह से एक अपने आप में लोगों का उत्साह, लोगों की सहयोग है, मुझे लगता है इस तरह का शायद कोई अभियान अभी तक नहीं हुआ। और ये कृपा अगर है तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम की कृपा है। जिस तरह से 500 वर्षों का विवाद आखिर तमाम अदालतों में चलता रहा, अंतोदगत्वा सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला किया, इसको देश के चाहे बहुसंख्यक हों अल्पसंख्यक हों सभी ने इसको स्वीकार किया। और आज न केवल उस मंदिर में बहुसंख्यक सहयोग कर रहा है, जैसा आपने देखा कि आज प्रांत प्रचारक जी ने उल्लेख किया कि बड़ी संख्या में लोग हमारे पास चल के कार्यालय आकर के अल्पसंख्यक भी मंदिर के निर्माण में सहयोग कर रहे हैं। वहीं इस समर्पण अभियान में दूसरे मजहब के लोग भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। उनका कहना है कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर खुशी जाहिर करते हुए सहयोग राशि दे रहे हैं, साथ ही वो दूसरों को भी समर्पण अभियान में चंदा देने की अपील कर रहे हैं। हमारे विचार जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, हम लोग का मान था, और जो फैसला है उसमें सराहनीय फैसला है, जो विवाद था सदियों से वो आज ख़त्म हुआ। हम खुशी से इस मंदिर के लिए चंदा दे रहे हैं। कहेंगे कि हर मुस्लिम भाइयों को बढ़ चढ़ के इस पे हिस्सा लेना चाहिए, जो सदियों से विवाद था आज विवाद खत्म हो रहा है।